आप ये देखो, हम लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो उन्हें लगा इनको रोकना चाहिए, तो उन्होंने योगेश भाई को रोक लिया, फिर उसका पूरा बैग चेक किया, दवाई निकाली, पूछा क्यों लेके जा रहे हो, क्या जरूरत है। जांच बोल रहा है, इधर टेंशन हो गई, बोले सारे आगे अस्थि बुलवा रहा है मेरे से। विस्तार में बताएंगे, एक घंटे का सेशन लेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए इसलिए माफी, पर आपको समझाएंगे पूरा, कोई डाउट नहीं रहेगा। सो अभी टाइम हो गया 6:30 एंड वी आर अबाउट टू लीव। मेरे को अभी नहाना बाकी रह गया है, प्रकर्ष को नहाना बाकी रह गया है, योगेश भाई नहा चुका है, आकाश नहा चुका है और प्रमोद भाई भी नहा चुका है। सबसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी आगे जब हम अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी सनसेट भी हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू। ठंडी पड़ रही है तो मतलब भवन पर ठंड अच्छी होने वाली है, तो हम उसी प्रिपरेशन से जा रहे हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी। तो चलो मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। सो ये है कुछ पीछे का व्यू, आप देख सकते हो ये सनसेट हो चुका है और सबकी लाइट्स भी जल चुकी है, तो धीरे धीरे ना क्राउड बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे सुबह गाड़ियां कम थी, अभी ज़्यादा हो चुकी है और मौसम ठंडा हो रहा है, बादल हैं हल्के हल्के, हो सकता है आगे जाके ऊपर जाके थोड़ा ख़राब भी हो, तो जैसा भी हो हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए। तो चलो गुड टू गो है, मिलते हैं फिर आपसे आगे। हम लोग रेडी हो गए, प्रकाश भाई अपना उधर रहा और ऑल सेट, तैयारी अपनी पूरी कर ली है, बैग अपना एक लेके जा रहे हैं जिसमें जैकेट वगैरह सब कुछ हम लोगों ने रखा है, क्योंकि ऊपर ठंड होने वाली है फॉर श्योर। अब चलो बाकी एक आपको अपने एक मित्र से मिलाएंगे जो जिसमें थोड़ी सी समझ रहे हो ना, छोड़ो स्वीट है वो हमारा लौटा भाई। हम लोग जय माता दी, हम लोग निकल चुके हैं यात्रा करने, टाइम हो रहा होगा अप्रॉक्स 7। तो ये रहा अपना योगेश भाई, प्रकर्ष, आकाश और लास्ट में प्रमोद। इस लौंडे की शादी फरवरी में, इसलिए माता के यहाँ पे आया है, समझ रहे ना कि आते लोग माता के यहाँ पे। कह रहा मुझे बालक भी जल्दी चाहिए ब्याह के बाद। तो इन योगेश भाई, अरे गुस्सा क्यों हो रहा है योगेश भाई, योगेश भाई बस है, सॉरी बोलवा के। सो चलो जी, वो रहा माता का भवन ऊपर और हम लोग जा रहे हैं अभी चाय पीने, उसके बाद फिर चाय तो पियेंगे ना भाई, चाय पिलाऊंगा रास्ते में, पिलाएगा ठीक है। तो भाई रास्ते में एक चाय पियेंगे और फिर अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। जी टाइम हो गया है अभी 6:30 और हमने ऑलमोस्ट अभी अपने रूम से जो कवर किया है वो करीब 500 मीटर के आसपास आए हैं, और अभी आप देख सकते हो कि गेट पर कितनी भीड़ है, जो मतलब एंट्री गेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये मे भी शायद यहाँ पे आरएफआईडी कार्ड जो हमने लिया है वो चेक हो रहा होगा, बट अभी अच्छी खासी भीड़ है और इससे लग रहा है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो चलो चलते हैं। तो जी फाइनली चेकिंग के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है और टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं पूरे, और ये नया रास्ता, सही ये है नया रास्ता जाने के लिए, बढ़िया इसमें लाइट्स वाइट्स तो है नहीं होंगी। सो अभी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऑटो वाला पीछे से घुमा के छोड़ता है तो जल्दी छोड़ देता है। यहाँ से अगर तुम जाओगे ना, स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर करीब, ऑटो वाला वहीं से छोड़ देता है पीछे से। अच्छा यहाँ वो 2 किलोमीटर बस सकते हैं? हाँ, 1.5 किलोमीटर करीब पड़ता है, ऑटो वाला वहीं डायरेक्ट छोड़ देता है, तो बीच का शुरू हो जाता है। ओके सो जी हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, 7 बज चुके हैं, अब देखते हैं हमें भवन तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। बीच में अगर लेंगे तो एक आधा हॉल्ट लेंगे, अदरवाइज तो नहीं लेंगे। तो अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कितने किलोमीटर पड़ेगा और कितना टाइम हमें लगने वाला है। वैसे तो हम अप्रॉक्स 4 घंटे लगते हैं हर बार, देखते हैं इस बार कितना लगता है और कैसी ठंड है, वो सब आपको टाइमली अपडेट करेंगे। चारों भाई अपने आगे जा रहे हैं, तो चलो मिलते हैं। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर और अब ना इस जैकेट में गर्मी लगने लगी यार, पसीना आने लगा अंदर से ना हल्का हल्का, बट हवा भी चल रही है, उतार नहीं सकते तो कोई और ऑप्शन है नहीं। सो देखते हैं अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो उतारेंगे, फिर और कोई ऑप्शन है नहीं।
आप ये देखो, हम लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर उस भाई के एक पैर नहीं है, बट स्टिल ही इज़ गोइंग टू माता वैष्णो देवी। सोचो मतलब कितना डिफ़िकल्ट है, पर लेकिन जब माता बुलाती हैं तो फिर तो सबको जाना ही पड़ता है। सो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं चरण पादुका। जब कभी भी आप माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। और ये मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर एक चट्टान के ऊपर माता वैष्णो देवी के चरण के जो निशान होते हैं वो अंकित है, अंकित मतलब उस पर छपे हुए हैं। और ये तब के हैं जब माता भैरव बाबा से छुप रही थी, तब उन्होंने यहाँ पर रुक कर अंदाजा लगाया था कि भैरव बाबा उनसे कितनी दूर है, तब उनके पैरों के निशान एक चट्टान मींस स्टोन पे रह गए थे। तो वो यहाँ पर हैं और लोग उसी चट्टान के दर्शन करके, माता के पैरों के दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो, ये मंदिर आप देख सकते हो, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है। तो चलो फटाफट इस मंदिर से निकल कर और आगे की यात्रा करते हैं। तो अभी हमने एक पहला स्टॉप, जय माता दी, हमने अभी पहला स्टॉप लिया है जो कि था चरण पादुका। और अभी वी आर मूविंग अहेड, तो ऑलमोस्ट जो यात्रा का जो भवन स्टार्ट होता है, सॉरी जो एंट्री गेट स्टार्ट होता है, वहाँ से चरण पादुका ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पड़ती है। सो अभी हमने मोटा मोटा 2 किलोमीटर कवर कर लिया है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते रहेंगे, बीच बीच में आपको ना बताते भी रहेंगे, तो बने रहिए। हर बार के कंपैरेटिवली इस बार भीड़ हमें ज़्यादा दिख रही है, तो वी आर नॉट श्योर कि हमें डोरमेट्री मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, बट नहीं मिली तो स्यापा हो जाएगा, क्योंकि भवन पे अच्छी खासी ठंड रहने वाली है। हम जनरली जब भी अपनी यात्रा स्टार्ट करते थे, हमें कभी भी इतना रश नहीं मिला है जितना रश हमें इस बार मिल रहा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। बाकी इनिशियल 3-4 किलोमीटर तक आपको रोड के दोनों साइड शॉप्स मिलती रहेंगी। इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, लाइक कुछ भी आपको ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हो, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती रहती हैं। पहले यहाँ पे CCD हुआ करता था जो कि अभी बंद हो गया है, और उसकी जगह ये बीकानेर स्टार्ट हुआ है। अब आई डोंट नो कि ये जो फूड ऑफर कर रहे हैं वो विदाउट अनियन है या अनियन के साथ है, वो मैं अब जब हम यात्रा अपनी कंप्लीट करके वापस आएंगे तब एक बार चेक करेंगे कि इनकी ऑफरिंग्स क्या क्या हैं। बाकी इट्स गुड कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो अभी मैंने जैकेट उतार दिए, आप देख सकते हो कि जैकेट देखो, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा सा सुखा लिया जाए बॉडी को, फिर आगे कंटिन्यू करें। हमने ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर कवर कर लिया है अभी यहाँ से, और यहाँ से माता अर्धकुंवारी जी का मंदिर ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, और टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर्स के आसपास होगा। सो वी आर मूविंग अहेड, आपको मिलते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिहाइड्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हल्का 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 पानी पी भी रहे हैं, सो दैट बॉडी को अपनी हाइड्रेट रख पाए। तो चलो, आप इस वीडियो में बने रहो, आपसे आगे मिल। सी दिस व्यू, मतलब जो हिल स्टेशंस होते हैं ना, उनकी सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यही लगती है कि रात में जो लाइट्स होती है ना, और जो ऊपर से व्यू दिखता है वो बहुत सुंदर लगता है यार। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना।
वाला, जय माता दी, पीछे वाला, जय माता दी, जयकारा लगा लो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, नारा बोलो, जय माता दी, चलने वाली, हाड़ों वाली, जय माता दी, 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 जय माता दी। 8:46 एंड वी आर अबाउट टू रीच माता अर्धकुमारी मंदिर। आई थिंक हार्डली 200-300 मीटर होने वाला है यहाँ से, और ऑलमोस्ट हमें जो टाइम लगा ये कवर करने में तो वो लगा 1 hour 45 minutes। ठीक है, डिस्टेंस वुड बी अराउंड 7.5 किलोमीटर, इतना ही होगा। तो अभी अर्धकुमारी माता के मंदिर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो प्लीज़ इस ब्लॉग में बने रहना, थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो होती है ऑब्वियसली, हाइट भी गेन कर रहे हैं और ट्रैक भी है तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ओह, एक्चुअली हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी माता के मंदिर। लेट मी स्विच द बैक कैमरा। तो जी, यहाँ पर पहुँचने के बाद रास्ता दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज़ जो एक राइट को रास्ता जाता है वो 6.5 किलोमीटर है, और यहाँ पे पहले चेक पोस्ट आ गया तो पहले चेक पोस्ट क्लियर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी अभी ना योगेश भाई के बैग में साइड में क्या था, कॉम्बी फ्लेम नहीं, जो साइड में था सैनिटाइज़र था और चिंगम थी, तो उसकी जो डिब्बी होती है वो उन्हें लगा सिगरेट है, तो उन्हें लगा इनको रोकना चाहिए, तो उन्होंने योगेश भाई को रोक लिया। फिर उसका पूरा बैग चेक किया, दवाई निकाली, पूछा क्यों लेके जा रहे हो, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की होती है। तो भाई की प्रॉपर वाली चेकिंग हो चुकी है। सो अभी ये जो रास्ता है यहाँ से भवन तक 5.5 किलोमीटर हमारा जो है अभी बचा है जो हमें कवर करना है। एक राइट में जो रास्ता था वो 6.5 किलोमीटर था जो बाया हाथी मार्ग था। इसके साइड में ये थी ना ये डिब्बी, उसे लगा प्रकाश ये सिगरेट है, देख हैप्पी डेंट था इसके में। फिर उसने कहा रुक भाई रुक, तो जब मैं बताता हूँ। फिर भाई से सब चेक करवा लिया। सो जी, अर्धकुमारी से आपको ये इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, जो यहाँ से फेयर तो मुझे नहीं पता, वो आप शाइन बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये रात में नहीं चलती हैं, ये दिन में चलती हैं और ये रात को चार्जिंग पे लगा दी जाती है, सो दैट दिन भर ये कवर कर पाए। और ये एक अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या जो अर्धकुंवारी तक आते हैं उन्हें लगता है कि हाँ यार वो आगे नहीं जा पाएंगे, तो दे कैन चूज़ दिस व्हीकल। अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से जो माता का मंदिर है वो ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर बचा है, तो खुशी इस बात की है कि हमने ऑलमोस्ट 60% रास्ता कवर कर लिया है। और अगर आप टाइम देखोगे तो 9 बजने वाले हैं, और जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो हम लोगों ने किया है 6.9 किलोमीटर, तो इट्स गुड कि हमने 1.45 आवर्स में ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। इधर अच्छा हो रहा है, प्यारा हो रहा है, बाकी आप ये व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से। ओके, सो चलो फटाफट आगे मूव करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, थकना नहीं है, जय माता दी, रुकना नहीं है, माता दी जयकारा लगा लो, जय माता दी, योगेश भैया जय माता दी जयकारा लगाए, जय माता दी थकता नहीं है, जय माता दी का वक्त है, जय माता दी ने बुलाया, जय माता दी जय माता दी बोलो, जय माता दी रुकना नहीं है, जय माता दी बोलो। चॉकलेट चेस देख 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 देख, वो कह रहा क्या फर्जी वाड़ा बचा रखा है और चॉकलेट का चेस करवा रहा है। तो जी हम लोग क्या है एक टी ब्रेक के लिए बेसिकली स्नैक कुछ ठूसने के लिए, क्या ढूंढ रहा है आप इसमें, मंच लेंगे हाँ, नट्स वाली, नट्स वाली मंच दे दो, 4 पांच एक मिल्की बार निकाल दे भाई, मिल्की बार दो, मिल्की बार दो, मिल्की बार तो मिल्की बार खाएगा वो बेटे, लाल हो गया तू है, देख सुरख नहीं हो रहा है, जोर जोर से लगा रहा है जयकारे ज्यादा,
भाई साहब हमारी तो ये दे देना मंच नट्स वाली, एक दो तीन, तीन दे दो जी। सो जी चलो इसको फिनिश करते हैं। रखी लेता यार तू भी यार, सेटिंग ऐसी बातें करती है। तो जी इसको फिनिश करते हैं और फिर अपनी आगे की रास्ता कवर करते हैं। यार लौंडा अपना, इसका ब्याह जी 17 तारीख को इसका ब्याह जी, मैं एड्रेस बता दूंगा, सारे पहुंच जाना है ना। शर्म नहीं आ रही तुझे? बोल, सबसे बोले सब आना है शादी में। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। देख रहे हो वैसे चार्ज बोल रहा है, इधर टेंशन हो गई, बोले सारे आ गए। अस्ति बुलवा रहा मेरे से माने। और यार मैंने ऊपर है भाई, ये प्यार में ये तुम्हारे स्पेशल है, फ्री है ये। क्या हो गया भाई? और भाई मौज आ रही है हिमकोटी। और यहाँ पे एक ये है डोसा पॉइंट, हम हर बार इसका भाई का डोसा जरूर खाते हैं, तो आप जब कभी भी आते हो तो एक बार डोसा जरूर ट्राई करना। तो चलो फटाफट अंदर चलते हैं, और योगेश भाई वहाँ से टोकन लेने गया है, तब तक हम सीट। ओ लाइट गाई ब्रो। सो चलो लाइट आने का वेट करते हैं। ये जो तुम भाई मित्र मित्र भाई करो है क्या ये? भाई ने इनवाइट करा, भाई मित्र का रोज ही बताता हूँ, पहले भाई था फिर मित्र बना, भाई मित्र मित्र थे भाई बने, वो भाई मित्र भाई, ठीक है ये हमारे योगेश जी है। तो ये भी तो भाई मित्र है, इसमें से बोले बिस्किट नहीं ना, ये मित्र भाई है, ये एम से आपको हम बताएंगे यात्रा में, अभी एम से स्टार्ट होता है ना मित्र, एम से क्या होता है मित्र के बताएंगे विस्तार में बताएंगे, एक घंटे का सेशन लेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए इसलिए माफी, पर आपको समझाएंगे पूरा, कोई डाउट नहीं रहेगा जिंदगी में, भाई मित्र और मित्र भाई में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मेरा नाम प्रकाश शर्मा नहीं, एक घंटे का सेशन लूंगा बस। अरे एम का मतलब भी समझाओगे ना? बिल्कुल ठीक है भाई, सब क्लास चलेगी कल भी, मैं कहीं सुनोगे मेरे को याद करोगे पूरी जिंदगी अगले 70 साल। इनका इंस्टाग्राम आईडी बता दो भाई।